नमस्कार दोस्तों, आज मैं पवन कुमार आपके लिए लेके आया हूँ कोरोना टॉक्स। बीते कुछ महीनों में, यूं कहें तो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, हमने बहुत सी समस्याओं का सामना किया, बहुत सी कंट्रोवर्सीज जो कि हमारे सामने आजकल घटनाएं जो घट रही हैं उनको हमने बड़े करीब से देखा, बहुत से लोगों के विचार सुने, उन्हें जांचा, उन्हें परखा। हमारी सरकार उनके दिए हुए निर्देशों का पालन किया। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, उसकी गाइडलाइंस की पालना की, बहुत से लोगों के विचार सुने, जैसे कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी, वैद्य राजेश कपूर जी, डॉक्टर परमजीत जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और उज्जवल पाटनी जी, संदीप माहेश्वरी जी। इनमें से जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए, इनमें से मैंने सबसे जो बेस्ट बात देखी मोटिवेशंस की, अगर हम बात करें, इनमें से जो सबसे बेस्ट जो काम, जो वर्क जो जिसने किया, वो किया संदीप माहेश्वरी जी ने। 21 मार्च लॉकडाउन का वो पहला दिन, संडे का दिन था, उस दिन की बात है। उस दिन संदीप माहेश्वरी जी का एक वीडियो आया, उसमें उन्होंने बताया, उन्होंने हमें ये बताया साइन करता हूं, कि आप देख वो है सकते लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन है डेथ। इससे बड़ा सच कोई और है नहीं, नहीं। लेकिन इसके बारे में बात करने से भी हम डरते हैं, इसके बारे में सोचने से भी डरते हैं ना बेवकूफ। जो जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन है उसके बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं है, इसीलिए हम छोटी मोटी चीजों में उलझ करके रह जाते हैं। छोटे मोटे मोटिवेशंस क्या है? डिजायर एंड फियर। 99.9% जो लोग हैं उनकी लाइफ इट्स ड्रिवन बाय डिजायर एंड फियर, नथिंग एल्स। और सही में, सही मायनों में अगर हम बात करें तो जिंदगी का जो मेन मोटिव है, हमारा लक्ष्य है, वो मृत्यु ही है। शायद सुनने में हमें ये अजीब सा लगता हो, पर जो सच्चाई है वो है। चाहे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बिकी हुई हो या फिर वो सही हो अपनी जगह पे, मेन मुद्दे की बात ये है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक लिस्ट है क्वेश्चंस की। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? पर जो परिस्थिति इस समय है, इस सभी परिस्थिति का कौन जिम्मेवार है? हम लोग क्या करते हैं कि नेताओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं, नेता लोग है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, हमारी तरह, हम भी कभी कभार करते थे। एक समय था जब हम भी पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस करते थे, पर जब हमें पता चला कि नहीं, कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं है इसमें भी, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए जो है, हमारे एक वोट बैंक बनाने के लिए चक्कर में जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो इन बातों को। इन सभी परिस्थितियों के बीच में पीस कौन रहा है? पीस सिर्फ हम लोग, आप लोग।
आप लोग पिस रहे हैं इसमें। कैसे पिस रहे हैं? चारों तरफ एक डर का माहौल बना के रखा हुआ है। ऊपर से हमारी गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है जी लॉकडाउन किए जाए, संपूर्ण लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन। प्रॉपर लॉकडाउन मतलब अनाउंस किया हुआ है लॉकडाउन, बाहर से अनाउंस किया है लॉकडाउन। जो हमारे सड़क हैं, यानी कि मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वहां पर लॉकडाउन है, वहां पर पुलिस तैनात की हुई है। पर जो फिर भी लोग एंट्री कर रहे हैं, चेक पोस्टें हैं, वहां पर चेकिंग हो रही है। चेकिंग किसकी हो रही है? चेकिंग उन लोगों की हो रही है जो लोग गरीब तबके हैं। एक गरीब लेवल के लोग हैं उनकी, या फिर वैसे लोग जिनको किसी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, किसी बड़े रईस खानदान से नहीं है, वो लोग इसमें पीछे जा रहे हैं। बात को समझो। क्वेश्चन ये नहीं है कि हमें इस बीमारी से लड़ना है, क्वेश्चन ये है कि ये बीमारी आने का कारण क्या है, कारण क्या रहा। पॉइंट टू बी नोटेड। नंबर एक। नंबर दो, के अगर ये बीमारी किसी जानवर से फैली है, जैसे कि चाइना का कहना है या किसी और कंट्रीज का कहना है कि ये बीमारी जो है वो किसी जानवर से फैली या जानवर से आई है, तो वो पहले क्यों नहीं आई, जबकि हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन 300,000 साल पुरानी है। विकिपीडिया में जाके चेक कर लेना, विकिपीडिया में वो पूरा लिखा है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन एज ए डॉक्यूमेंटेड एज ए एविडेंस, वहाँ पर लिखा हुआ सब चीज़ें कि जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो 300,000 साल पुरानी है। तो हमें इस वायरस, अगर वो ये बीमारी पहले से, अगर ये जानवरों से आई है, अगर नेचुरल तरीके से आई है, इस बार आई है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डॉक्टर विश्व रॉय चौधरी जी बोल रहे हैं कि नहीं, ये बीमारी जो है पहले से एग्जिस्टेंस थी और अब जो है इनके पास एक टूल आ गया है इसको जांचने का, इसको परखने का, तो कोई इशू नहीं है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो डर का माहौल बना हुआ है उससे हमें बाहर आने की जरूरत है। ऐसे मास्क, आज तक तो मास्क पहना नहीं, तो अब क्या जरूरत है? अगर ये नेचुरल तरीके से, अगर चाइना बोलती है कि वो नेचुरल तरीके से आई है, WHO क्या बोलता है? WHO बोलता है कि चाइना जो बोलती है वो सही है। क्यों? नंबर दो, अगर ये नेचुरल तरीके से नहीं आई है, किसी जानवर से नहीं फैली है, तो हमें डरने की जरूरत है। बेशक डरने की जरूरत है। और डरने की जरूरत क्यों है? डरने की जरूरत इसलिए है कि शायद हो सकता है ये मैन मेड हो, या किसी लैब में बनाई हो, या किसी संस्था के द्वारा बनाई हो, तो हमें इससे डरने की जरूरत है। पर फिर भी इसमें गलती किसकी? सफर कौन कर रहा है? वो चंद लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, पूरे दुनिया पे जो अपनी होने का दावा करते हैं कि जी हम हैं, जो हम पॉलिसी बनाते हैं आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी, गलती इसमें किसकी? एक आम आदमी सफर क्यों करे? आज सारी मीडिया क्यों चुप है? क्यों इस क्वेश्चन को नहीं उछाला जा रहा है? जो रिसेशन आज की डेट में आ चुका है और आने वाले कुछ दिनों में आएगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ रुक जाएगी, रुक गई है, इसका इंपैक्ट
सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, कौन इसका जिम्मेवार रहेगा? बहुत से सवाल है पर जवाब कोई नहीं देगा। राजनीतिक नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। हालांकि छोड़ो इन बातों को, तो छोड़ो ही, राजनीतिक रोटियां तो वो सेक ही रहे हैं, इसके बावजूद भी वो बिजनेस भी कर रहे हैं। बिजनेस कैसा? साइड बिजनेस। उनकी जेबें फुल हो रही है, चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ जी ठीक है ओके। समझने की जरूरत किसको है? एक आम आदमी को। पर हम लोगों की एक कमी है, हम जो आम आदमी होता है उसकी एक कमी है। वो कमी क्या है? वो कमी ये है कि एक आम आदमी एक आम की तरह होता है। कोई उसे काट के खा जाते हैं, कोई चूस के खा जाता है। हम नहीं सुधरने वाले, हम कुछ समझना नहीं चाहते, किसी के कुछ नहीं समझना चाहते हम। गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि जितने 100 करोड़ का पैकेज हमने इसके लिए दिया, इस पैंडेमिक के लिए दिया, इतने 100 इसको, इस राज्य को दिया इतना 100 करोड़ रुपया, या इतना 1,00,000 करोड़ रुपया, या इतना 1,000 करोड़ रुपया इस राज्य को दिया, इस पर्टिकुलर को दिया। पर दिया तो दिया, दिया कहाँ, दिखा कहाँ, वो गया कहाँ? वो बस एक इशू बनाया हुआ है। हाँ मीडिया वालों का भी इसमें बहुत सारा रोल रहा। मीडिया वाले क्या बोलते हैं? जी आज इतने 1,00,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इतने 1,000 लोग पाए गए, इतने बढ़ गए, इतने ये हो गया, इतनी मृत्युज हो गई, इतनी डेथ्स हो गई। तो ये क्या हुआ? एक डराने का ही काम हुआ। कोई कोई भी ऐसा नहीं है कि वो संतावना दे, नहीं यार कुछ नहीं है, समझो इन चीज़ों को, कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है वायरस। हाँ आया है, किसी के थ्रू फैलाया गया है, क्यों नहीं इस बारे में बात करता कोई भी? इस बारे में बात नहीं करता। पहला क्वेश्चन कि ये वायरस फैला तो फैला क्यों? अगर नेचुरली फैला तो आज तक क्यों नहीं फैला? अगर ये इसको लैब में बनाया गया है या लैब के थ्रू फैलाइए, तो इसको बनाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी किसी भी देश को? क्या जरूरत पड़ी इस पर एक्सपेरिमेंट करने की? अगर ये स्प्रेड हुआ है एक्सीडेंटली, तो इस वायरस को स्प्रेड कराने के पीछे किसका हाथ है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी? इवन इफ कोई भी कंट्री हो, चाहे हम हो या कोई और हो, हम यानी कि इंडिया, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? हालांकि इस बीमारी के डेथ रेट्स भी वही जवाब दे रहे हैं जो पहले से थे। बहुत सारे वायरस आए हमारे बीच में, आए कहां से? या तो वो नेचुरली एग्जिस्ट थे, या तो उनको बनाया गया। अगर बनाया गया तो क्या जरूरत पड़ी उनको बनाने की? अगर वो नेचुरली एग्जिस्ट हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। वी आर कैपेबल टू फाइट विद दिस वायरस। हम कैपेबल हैं, हम इन वायरस से लड़ने में सक्षम हैं। क्या जरूरत पड़ी इसका जवाब कौन देगा? क्यों नहीं समझना चाहते? हमारी पॉलिटिक्स, हम जिन नेताओं को यहां से चुन के ऊपर भेजते हैं, उनको वोट करते हैं कि जी आप बढ़िया हैं, आप अच्छे हैं, आप आगे जाइए, वो इस चीज को क्यों नहीं समझते? इसका जवाब क्यों नहीं देते खुल के? इवन इफ उस किसी भी कंट्रीज की, किसी भी देश की उस जनता को इन चीजों का जवाब मिलना बहुत ही जरूरी है, और बहुत ही जरूरी और होना भी चाहिए। हम लोगों को ये जवाब मांगना चाहिए। कॉन्ट्रोवर्सी कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले, कोई ये बोलता है जी हम इसके खाने से इसको ठीक किया जा सकता है, इसके खाने से ये ठीक हो जाता, कोई भी चीज हो, ये कोई मायने नहीं रखता कि क्या है। मेन मुद्दा तो ये है कि इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी चीजों पे रिसर्च करने की जरूरत क्या, क्यों पड़ी? जबकि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जिस तरीके का एनवायरमेंट होता है उस तरीके का ही एक संतुलन। हमने बहुत पहले, कब, बहुत से, मतलब जैसे हम मैट्रिक प्लस टू सिक्स
मैं हमने पढ़ा था एडेप्टेशन है ना, और एक आहार श्रृंखला फूड साइकिल जिसको बोलते हैं वो हमने पढ़ा था बचपन में। तो फूड साइकिल और जो आहार श्रृंखला और जो हमारा एडेप्टेशन है उन चीजों से ही हमारा शरीर जो है अपने आप मॉडिफाई कर लेता है, उनको अपने आप जो है उनके साथ लड़ सकता है। तो उन वायरसेस पर रिसर्च करने की क्या जरूरत पड़ी किसी भी कंट्रीज को? बहुत बिग क्वेश्चन है ये, बात छोटी सी है, समझने की छोटी सी बात है, पर क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये। अगर पढ़ा तो पढ़ा क्यों? और आज तक लॉकडाउन से पहले या इस वायरस से आने से पहले सभी लोगों की लाइफ स्मूथ चली थी, नो प्रॉब्लम। और आज की डेट में इतना डर का माहौल मैं देख रहा हूँ मार्केट में, कि इतने ज़्यादा डर का माहौल है कि हम जैसे लोगों को भी ये वीडियो बनाने के लिए आगे आना पड़ रहा है, इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए। बेरोजगारी आने वाले टाइम में देखना कितनी बेरोजगारी बढ़ने वाली है, गवर्नमेंट क्या करेगी इसके लिए? दे हैव नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट के पास। लोगों को तो कुछ, हम जैसे लोग चलो हम तो कुछ भी कर लेंगे, ऐसे वीडियो भी बना लेंगे या फिर अपने खेत हैं काफी खेतों में काम कर लेंगे। जिन लोगों के पास कुछ खेत नहीं है, कुछ काम वाम करने के लिए कुछ जगह नहीं, वो कहां जाएंगे? बेरोजगारी। संदीप माहेश्वरी जी जो बोलते हैं उन पर अगर गौर किया जाए तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हो, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोल रहे हो। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी वो भी सही बोल रहे हैं। ये जितना भी है मेरे पास ना तो कोई ऐसा डाटा है, हालांकि इनके टोटल डाटा इनके खुद ही बता देते हैं, इन्हीं के डाटा से इंटरप्रेट जब करेंगे आप गवर्नमेंट का या फिर किसी का भी, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ए टू जेड जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा आपको उधर। तो इन बीच एक आम आदमी सफर क्यों करें? आप लोगों से मेरी एक विनम्र निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप नीचे कमेंट में जिन जिन लोगों के पास भी मेरे ये वीडियो पहुंचे उन लोगों के कमेंट्स मुझे इस वीडियो के अंत में चाहिए कि इस चीज के लिए कौन जिम्मेवार है, अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, कौन लेगा और किसको लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, काफ़ी हो गया है। अगले अगर आपके अच्छे रिस्पांस रहे तो हम अगला वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे, पर इसके लिए मुझे आप लोगों के रिस्पांस की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, धन्यवाद।